जी आया नू मेरे YouTube चैनल ताड़ा स्वागत है। आज हम सीखेंगे सफ़ेद मटर कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है आधा किलो सफ़ेद मटर जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करा हुआ है। इसमें एक चम्मच नमक और दो चुटकी मीठा सोडा डालकर रखा था। मैंने मटर कुकर में डाल दिए हैं और पानी उतना डालना है कि ये सारे सोक हो जाए पानी में। मैंने इसमें एक चम्मच नमक और एक टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें। अब इसको हम कुकर को एक विसल आने तक छोड़ देंगे और एक विसल के बाद इसको 2 से 3 मिनट्स मीडियम लो फ्लेम पे रखना है। चलिए अब हम कुकर खोलकर देखते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। हमारे सफ़ेद मटर बॉईल हो चुके हैं। अब हमें चाहिए तड़के के लिए 4 कटे हुए प्याज, 5 टमाटर बारीक कटे हुए, ऑयल, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हींग, 1 नींबू का रस, धनिया पत्ती और हरी मिर्च। चलिए अब हम सबसे पहले ऑयल लेंगे, 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम प्याज सौते करेंगे, इनको ब्राउन नहीं करना है, इनको हल्का सौते ही करना है। अब हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, हमें इनका कच्चापन ही निकालना था, इन्हें ब्राउन नहीं करना था। अब हम इसमें करेंगे ऐड टमाटर। इसी के साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, नमक उसमें भी डाला था इसलिए नमक कम ही डालना है टेस्ट के हिसाब से अपने, थोड़ी लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना, सूखा धनिया 2 स्पून, थोड़ा गरम मसाला। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक चलाते रहो। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए सफ़ेद मटर। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, 1 नींबू का रस। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये हमारे सफ़ेद मटर खाने के लिए तैयार हैं। अब हम इसको सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसे तंदूरी परांठा या तंदूरी कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप तंदूरी कुलचा कैसे बनाएं इसका इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।